तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सर लोग? होपफुली सारे ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं द मास्टरफुल कैट इज डिप्रेस्ड अगेन टुडे के एपिसोड नंबर 7 के बारे में। तो बिना वक्त गवाए हम लोग बढ़ेंगे सीधा इसकी वीडियो। तो एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलता है फुकुजावा और उसकी जो दोस्त होती है वो सारी सारी मिलती है और इन लोगों को लगी होती है भूख। इन लोगों का पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा होता है, फुकुजावा का ज्यादा ही कर रहा होता है क्योंकि वो लंच के बारे में सोच रही होती है और उसको सोच के इसको भूख लगने लगती है। और उसका लंच देख के जो बाकी लड़कियां होती है वो जलस फील करने लगती है और कह रही होती है तो क्या हम लोगों को अपनी सुपर कुकिंग स्किल दिखाने के लिए लाई है, इस तरह की अगर चीजें करती रहेगी तो तेरे को एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड मिलने वाला है। लेकिन जो इसका फेस रिएक्शन होता है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है और इसके चेहरे पे कोई इमोशन नहीं होते हैं। और लड़कियां कहती हैं क्या तू शादी करना चाहती है ना, और ये कहने लगती है कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। और ये आराम से खा रही होती है, इसके मन में चल रहा होता है युकिची। बाकी लड़कियां होती है वो अपने अपने बारे में बताती हैं और ये सोचने लगती है कि अगर इसका कोई हस्बैंड होगा मान लो युकिची के साथ, युकिची जो होगी वो उसके लिए शर्ट आयरन कर देगी, उसका लंच बॉक्स पैक कर देगी और इस सारी चीजों से एकदम युकिची खुश हो जाएगी। अब पता चलेगा उसको ज्यादा पैसे मिल जाएंगे तो युकिची और इसका हस्बैंड जो होगा वो उसको छोड़ के चले जाएंगे और वो सपना देखने लगती है। ये सब सोच के एकदम डर जाती है और बाकी लड़कियां जो होती है फिर थोड़ी बहुत बातें करने लगती है। उसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं, फिर घर जाती है, युकिची को गले लगा लेती है ये और तुरंत उससे पूछ रही होती है कि अगर कोई पर्सन मेरे से डबल सैलरी होगा क्या तो उसके साथ जाना चाहेगी। तो वो बिल्कुल हाँ तुरंत युकिची जवाब देती है और ये बोल रही होती है एटलीस्ट एक बार सोच तो ले इस बारे में, 3 सेकंड तक सोच फिर बताना। फिर वो 3 सेकंड तक युकिची चुपचाप सोचती है, फिर उसके बाद दोबारा से हाँ बोल देती है और ये कह रही होती है कि मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कि मैं अब और अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाऊंगी ताकि मेरी जो सैलरी है वो बढ़ जाए। हालांकि युकिची जो होती है वो कह रही होती है कि ये अगेंस्ट है और रात को सोने का वक्त हो चुका है तो चल के सो जा, और वो जाके फिर आराम से लेट जाती है और कह रही होती है मैं बस आज सो रही हूँ, कल से मैं पूरी रात जगूंगी पढ़ाई करूंगी, इस तरह की बातें। फिर उसके बाद ये हॉरर शो देख होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, युकिची जो बड़ा मजे से देख रही होती है। लेकिन जो फुकुजावा होती है उसको डर लग जाता है, उसकी हालत खराब होती है, युकिची जहां जहां जाती है उसके पीछे पीछे जा रही होती है और ये सिर्फ और सिर्फ ये हॉरर शो देखी है युकिची के लिए। लेकिन अब इसको समझ में नहीं आ रहा होता है क्या करना है, ये बियर पीना चाहती है लेकिन जो इसका बात होता है वो रेडी हो जाता है, ये अकेले जाना नहीं चाहती है। और युकिची जो होती है उसको डराती है पहले, फिर उसके एक छोटी सी बतख दे देती है कि जा इसे साथ नहाना तेरे को डर नहीं लगेगा। वो नहाने के लिए बैठी होती है, सोच रही होती है कि अगर मेरी बिल्ली जो है वो ये फाइंड आउट कर लेगी कि मुझे से डर लगा था तो मेरी इज्जत नहीं बचेगी, हालांकि इसकी इज्जत युकिची के मन में होती ही नहीं है। उसके बाद युकिची की जो होती है परछाई इसको अंदर से दिखती है, उसको देख के और ज्यादा डर जाती है और इसकी हालत खराब होती है, ये अपने आप को धोती होती है, बाहर आना चाहती है और अगेन कुछ देखती है। उसके बाद फिसल फिसल के 3-4 बार गिर चुकी होती है, बाहर आती है, देखने को मिलता है युकिची ड्रायर लेके खड़ी होती है और ये बियर उठा के तुरंत पीने लगती है, इसको ठंड लगने लगती है, इसकी हालत खराब होने लगती है। युकिची इसको सुखाती है और रात में अकेले नींद सोना चाहती है क्योंकि इसको डर लग रहा होता है, युकिची इसके बगल में सो रही होती है। लेकिन युकिची की नींद खुलती है तो ये और ज्यादा डर जाती है और उसके बाद युकिची को ढूंढने के लिए जाती है। युकिची जो होती है टैप में से जीभ निकाल के पानी पी रही होती है और ये चीज देख के ये फनी मोमेंट रहता है और ये चीज के बारे में वो फेस पर चढ़ाने की बात कर रही होती है और कह रही होती है कि ये भूल जाए कि मैंने कुछ देखा था और तू भी मेरी चीजें भूल जाना किस तरह से मुझे डर लग रहा था। और कहने लगती है युकिची तू जिस तरह से घर में रहना चाहती है रह सकती है, रिलैक्स रह कर, कोई चिंता वाली बात नहीं है और परेशान मत हुआ कर चीजों को लेकर। फिर उसके बाद कुछ ये देख रही होती है अपने फोन में, इसको मजा आ रहा होता है और युकिची इसके लिए कॉफी लेके आती है। और ये अकाउंट होता है कैट ओनर वाला जहाँ पे बहुत सारी बिल्लियां होती है, टेक केयर करते हैं लोग, उस बारे में अकाउंट होता है, उसी की चीजें देख रही होती है। फिर वो बताने लगती है किस तरह से उसका बॉस जो है वो पूछ रहा होता है युकिची के बारे में उससे, और उसको लगता है कि एक कूड़े में रहने वाली लड़की कैसे बिल्ली का ख्याल रख सकती है और वो परेशान रहता है। युकिची जो होती है वो वार्म अप करती है एक नॉर्मल कैट जैसे हरकतें करने के लिए, हालांकि वो फिर एक कूड़े वाली चीज होती है उसको स्क्रैच करना चाहती है लेकिन वो एक गिटार जैसे बजाने लगती है जिसको देख के फुकुजावा जो होती है कहती है नहीं भाई तेरे बस की नहीं है। फिर बहुत सारी बोतलें नीचे सजा देती है और बिल्लियों की तरह जैसे बच बच के निकलती हैं बिल्लियां वैसे निकलने की कोशिश कर रही होती है और ये नेक्स्ट लेवल फास्ट होती है और अगेन वो ये वो चीज नहीं हो पाती है जो नॉर्मल कैट करती है। फुकुजावा जो होती है वो कहती है कि बाकी लोगों से मैं एक बात में बहुत एग्री करती हूँ कि जो कैट्स होती हैं बहुत ज्यादा क्यूट होती हैं और मेरी वाली जो है वो क्यूटेस्ट है। जिसके बाद जो जितनी बार तारीफ कर रही होती है फुकुजावा उतना खाना लेके आती है युकिची उसके लिए, जिसको देख के वो और तारीफ करती रहती है, चलता रहता है चीज अब खाती रहती है। उसके बाद देखने को मिलता है इसको लेट हो चुका होता है ऑफिस जाने के लिए, इसका पैर फंसता है, कॉफी जो होती है वो दीवार पे चली जाती है, ये डर जाती है कि युकिची अब इसको मार डालेगी छोड़ेगी नहीं। युकिची गुस्से में होती है, बिल्कुल एकदम ब्लैंक हो चुकी होती है, वो वॉलपेपर उखाड़ कर फेंक देती है और पता चलता है कि उसको पहले ही पता था ऐसी चीज होने वाली है इसलिए वो चेंज कर लेती है, नया वॉलपेपर लगा देती है ताकि लेट हो रहा होता है। फुकुजावा वहां से भाग जाती है, देखने को मिलता है युकिची जो घर पे
होती है वो सारे ही वॉलपेपर चेंज कर देती है, प्रेशर अप्लाई करती है, रिपीट करती है, प्रेशर अप्लाई करती है और यही चीज करके बढ़िया बना देती है। फिर देखने को मिलता है जो उसका डेस्क होता है वो अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो उसका मेजरमेंट लेती है कार्ड पीट के और उसको बढ़िया सा शेप दे के कलर करके और ज्यादा बढ़िया बना देती है, अट्रैक्टिव बना देती है और घर का जो शेप होता है वो और ज्यादा चेंज हो जाता है और ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। क्योंकि ज़ावा जब घर वापस आती है देखती है वो काफी ज्यादा शॉक में होती है और कह रही होती है ऐसी चीज हमारे घर में थी क्या, और वो कहने लगती है तू एक आर्टिस्ट से कम नहीं है और ये बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। फिर पूरी जो चीजें होती है वो काफी ज्यादा चमकदार हो जाती है, बढ़िया हो जाती है। अब फोकस ज़ावा ये सारी चीजें इंजॉय कर रही होती है, उसको अच्छा लग रहा होता है। अब ये सारी चीजें जो चीज इसलिए करती है क्योंकि उसको लगता है कि जो इसकी सोल है वो स्मूथ हो जाएगी, वो अच्छी हो जाएगी और ये जो ब्रेन डेड ह्यूमन है उसके साथ जो किसी भी काम के नहीं है वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह के उसका दिमाग जो होगा अच्छे से चलेगा। लेकिन इन सारी चीजों का फर्क नहीं पड़ता है, तो भी देखने को मिलता है जो फुकुज़ावा होती है वो मस्त सो रही होती है और युकिची उसके ऊपर आके दबा देती है और उसके ऊपर ही सो जाती है, तो फाइनली उसको उठना पड़ता है और इसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। तो बात कीजिए कैसा था ये एपिसोड, तो एज ऑलवेज ये क्यूट सा एपिसोड था और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था, देखने में काफी ज्यादा मजा आया। तो इस वीडियो में इतने रखेंगे, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सेवन Peace out.